परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे मौका दिया एक बार फिर आप सबके बीच में आने का और इस गवाही को देने का। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं अपने बीडी की पढ़ाई कर रहा हूँ और अपनी पढ़ाई के अंतिम वर्ष में हूँ और अभी पिछले 26 तारीख को मेरा फाइनल ईयर समाप्त था और फादर साहब से भी मैंने कहा था मेरे लिए प्रेयर करें और विक्टर मेसी को भी कहा था और काफ़ी लोगों को अपने परिवार को अपने फ्रेंड्स को सबको बोला था और आप सबकी दुआओं के अनुसार जो है परमेश्वर मेरे संग रहे और मेरा फाइनल टीचिंग बहुत अच्छा गया जो मेरे टीचर्स का प्रिंसिपल्स का और जो इवैल्यूएशन कमेटी होती है उन सबका फीडबैक बहुत अच्छा था। सबने बहुत अच्छे से फेस किया और मैं आप सबके सामने इस प्रार्थना विषय को भी रखना चाहता हूँ कि आप मेरे लिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि अब बाय अप्रैल ऑलमोस्ट मेरा कोर्स जो है खत्म हो जाएगा और तो आप अब एग्जाम्स आने वाले हैं अक्टूबर में उसके बाद फिर एक बार अप्रैल में फिर से एग्जाम्स होंगे दो सेमेस्टर के जो एग्जाम रह गए हैं तो उनको भी मैं अच्छे से करूँ और उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। मैं बाद साहब का और पूरी कलीसिया का और सब उन लोगों का जो प्रार्थनाएं करते हैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ और अपने परिवार का धन्यवाद करता हूँ अपनी मम्मी का भाई बहनों का और जो संबंधी है हमारे सबका धन्यवाद करता हूँ और अपनी फ्रेंड से रिया चलसी उसका भी मैं धन्यवाद करता हूँ क्योंकि हमेशा वो लोग शी ऑलवेज इंस्पायरिंग मी एंड मोटिवेटिंग मी फॉर ऑल द थिंग्स दैट आई एम डूइंग बिकॉज वहाँ पे रहना आसान नहीं होता। सुबह 5:30 ऑलमोस्ट 5 बजे हमारी मॉर्निंग हो जाती है उसके बाद रात के 10 बजे तक एकदम टाइट स्केड्यूल रहता है इतना भी टाइम नहीं मिलता कि नो हम मैसेजेस देखें कई बार होता है गुड मॉर्निंग का मैसेज रात में देखते हैं और गुड नाइट का मैसेज मॉर्निंग देखते हैं इतना टाइट स्केड्यूल रहता है उन सब चीज़ों के बीच में वो हमेशा नो शी इज ऑलवेज मोटिवेटिंग ऑलवेज इंस्पायरिंग तो उसके लिए धन्यवाद और आप सबके लिए भी धन्यवाद और प्रार्थना को आप करते रहिए कि जो मेरा रिमाइंडर और स्टडीज है उसके वो भी अच्छे से हो। एक बार फिर से बाबू साहब का आइसिक का और आप सबका धन्यवाद। जय मसीह।